नमस्कार, स्वागत है आपका कोसी एक्सप्रेस में। जिला परिषद अध्यक्ष वहीदा सरवर एवं उपाध्यक्ष नीरज सिंह बने। देखिए, हार के बाद रानी भारती ने क्या आरोप लगाया। सोमवार को हुए चुनाव में पूर्णिया जिला परिषद अध्यक्ष पद पर वहीदा सरवर ने जीत दर्ज की। अध्यक्ष पद पर हुए चुनाव के दौरान वहीदा सरवर को 19 मत मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी रानी भारती को 15 मत से संतोष करना पड़ा। वहीदा सरवर पूर्व मंत्री बीमा भारती की बेटी रानी भारती को 4 मतों से हराकर बनी पूर्णिया की जिला परिषद अध्यक्ष। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए नीरज सिंह उर्फ छोटू सिंह लगातार 5वीं बार जीते। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी रियासुल आजम को 6 मतों से हराया। उपाध्यक्ष पद के लिए नीरज सिंह को 20 एवं रियासुल आजम को 14 मत प्राप्त हुए। जीत के बाद एक तरफ समर्थकों में काफ़ी खुशी का माहौल देखा गया, वहीं दूसरी तरफ अध्यक्ष पद की प्रतिद्वंदी एवं रुपोली की विधायक बीमा भारती की बेटी रानी भारती ने नाराजगी जताते हुए कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए। उपाध्यक्ष पद के प्रतिद्वंदी रियासुल आजम ने भी मीडिया के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त किया। चुनाव की प्रक्रिया जिला समन्वयालय के सभागार में संपन्न कराई गई। चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सभी प्रकार के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जिला पदाधिकारी के द्वारा जिला नव निर्वाचित परिषद अध्यक्ष वहीदा सरवर एवं उपाध्यक्ष नीरज सिंह को सर्टिफिकेट दिया गया। जीत के बाद जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष ने मीडिया से क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पूर्णिया से मन्नू कुमार की रिपोर्ट। जो दिया उनको भी लेके चलेंगे, जो नहीं दिया उनको ज्यादा लेके चलने का। क्या परिचय? नीरज सिंह और छोटू सिंह, जिला परिषद उपाध्यक्ष पूर्णिया। गुड्डू सरवर जी बोल क्या कर रहे हैं भैया? मैडम थोड़ा नीचे करेंगे, आगे क्या किस तरह से करेंगे विकास का काम? सबको लेके करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। तबीयत भी खराब है भैया, आप इधर आ जाइए। पीछे चलो, पीछे। अरे नीचे करो ना यार, कैमरा नीचे किसी को लेने देता है। ये पूर्णिया वासियों का आशीर्वाद लगातार मिलते आया है और इस बार भी चौथी बार हमको जिला परिषद उपाध्यक्ष, सभी जिला परिषद सदस्य चुनने का काम किया है। इन लोगों के लिए मैं सभी जिला परिषद सदस्य को धन्यवाद देता हूं और उनका एहसान मंद रहने का भी अपना काम करता हूं। आपको भी आगे किस तरह से विकास का काम करेंगे? आगे विकास जो पहले हुआ करता था उससे ज्यादा तेजी गति में विकास होगा और इस बार अति पिछड़ा समाज से हम लोगों को अल्पसंख्यक को चुनाव जिताने का काम किए हैं। अपराध मैडम पीछे कीजिए, खेलिए मत कैमरा हटाइए ना, पीछे कीजिए कैमरा। अरे हाथ पीछे करके लीजिए ना, मैं घर में बता दीजिए। मैडम कितनी मत आपको मिली आज? कुल कितनी मत? 19 मत। पूर्णिया की जनता को क्या मैसेज आप देना चाहते हैं इस जीत को लेकर? क्या संदेश देना चाहते हैं पूर्णिया की जनता को? अच्छे से चलाएंगे, चलाएंगे। एक बड़ी चुनौती और एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी जा रही है। ये जीत आपको किसको देना चाहते हैं? ये जीत किसको देना चाहते हैं? पूर्ण जनता को। आपको लगता है कि आपका जो क्षेत्र वो कहीं ना कहीं पिछड़ा है, उसका ये आज आप अध्यक्ष बनी है, इसका फायदा उस क्षेत्र के लोगों को मिलेगा? समाधान निकाल। आप आज कितना वोट लाए आप? 19। आपके प्रतिद्वंदी द्वारा कहा गया कि बाद में खेला होगा, तो क्या खेला क्या होगा? ईश्वर उसका भला करेगा। बोलिए क्या खेला होगा? ईश्वर उसका भला करेगा। सच्चाई भैया पहले आपको बता दूं कि अभी अभी चुनाव संपन्न हुआ है और मैं पहले जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जिन्होंने चुनाव जीता है, मैं उन दोनों को पहले बधाई देता हूं और साथ ही मजबूत विपक्ष के रूप में अपनी दावेदारी पेश करूंगा
वो भी आएगा वक्त जब आप देखेंगे कि हम लोग किस हिसाब से सदन को चलाते हैं। सर आपको कितना वोट? 14 क्या लगता है कि इस बार सांप दंड भेद चला गया है? चलिए वो अपनी जगह पर है, ऐसा कुछ नहीं है। पार्षद लोगों की अपनी मिजाज थी, अपना चयन हुआ, उस पर मेरा कोई आपत्ति नहीं, कहीं कोई किसी तरह का रोल नहीं है और न ही मैं कोई कमेंट करने वाला हूँ। इसलिए हो सकता है कि आज उनको खराब लगा हो, कल हम हो सकता है कि हम बेहतर हो जाए उनके लिए। तो खेला होगा? नहीं, खेला आने वाले समय में फिलहाल तो खेला हो चुका है, अब वक्त का इंतजार कीजिए, खेला होगा आगे देखते हैं क्या क्या होता है। क्या परिचय? रईसुल आजम, जिला पार्षद, 17 नंबर। ये मेल डोमिनेट सोसाइटी है जो हमेशा फीमेल को नीचे दिखाते हैं और उनका एज डिफरेंस करते हैं, जबकि हम लोग जो युवा इस बार जीत के हैं, ज्यादातर युवा ही है, हम लोग उनसे ज्यादा जानते हैं और ज्यादा काबिलियत रखते हैं इस चीज को। और रानी भारती के आने से अगर पूर्णिया में डर पैदा होता है कि नहीं ये लड़की आएगी तो मेरा ये नहीं चलेगा, मेरा वो नहीं चलेगा, इसके आने से हम लोग अपना क्या बोले दबदबा नहीं चला पाएंगे। तो अगर हमसे कोई डरते हैं, हमें किस साल के, अगर हमसे कोई डरते हैं तो मेरे लिए इससे गर्व की बात है और क्या हो सकती है। तो महिला का अपमान किया गया है, ऑब्वियसली किया गया है, वो तो सबके सामने ऐसे खुले आम जो बोलते हैं, तो इसमें क्या है जो उसमें दिख रहा है? हमको तो उनमें एक काबिलियत ना दिखा, एक काबिलियत नहीं दिखा। गुलाम सरवत जी जो कि महिला का 1% इज्जत नहीं करते हैं, हमको तो किसी में कोई काबिलियत नहीं दिखा। वो बात अलग है कि उनको ज्यादा वोट मिल गया, आज वो जीत गए, उनको हम बधाई देते हैं, जो भी है गुलाम सरवर जी की वाइफ और नीरज जी को। आपको लगता है कि मजबूत विपक्ष इस बार देंगी जिला परिषद? मजबूत विपक्ष होगा? हाँ होगा, होगा। थैंक यू। क्या परिचय मैडम आपका? चलिए आप इंटरव्यू ले लिया, आपको मेरा परिचय नहीं पता। जो बात है यहाँ की जनता बेवकूफ है जो ऐसा सोचती है, जिनको लगता है हाँ तो वही पार्षद लोग को लगता है कि जो भी है वहाँ पे पैसा ले लेंगे या कुछ भी कर लेंगे, उनसे जीत जाएंगे। और ऐसे लोगों को जिताती है जो भाई अपना शपथ नहीं ले पा रहे, ना फुल ना फॉर्म फिल कर पा रहे हैं। तो जरा बाबू यहाँ पे तो ऐसे खुले आम खरीद बिक्री कितने का क्या है, आप सबको पता है, मीडिया वाले यहाँ बेवकूफ नहीं। आपको जानकारी है तो बताइए मैडम, अगर आपको कुछ इसकी विषय में जानकारी। हम लोग भाई नहीं गाली गलौज किए, ना हम लोग अय्याशी करने गए। इन लोगों को वो लोग चाहिए जो गाली दे, जो सबके सामने मारपीट करे वो लोग, और इन लोगों को यही डिजर्व करते हैं, यही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष डिजर्व करते हैं। और ये उपाध्यक्ष जो जीते हैं वो कहते हैं कि 21 साल की लड़की के सामने हम बैठेंगे, ये मेरे लिए अपमान है। तो उनको ये पता होना चाहिए कि जब तेज प्रताप जी आए थे तब भी वो छोटे थे, तो क्या वो नीतीश जी के सामने नहीं बैठे थे? आज हमको हराने के लिए सारे लोग लग गए। मैडम आपको कितना मत आई? मत 15 आया। 15 आया। क्या लग रहा है आपको जिला पार्षद चुनाव में जो सशक्तिकरण का भी अपमान किया जा रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। इसमें वो डायरेक्ट ऐसे बोलते हैं कि हम 21 साल की लड़की के सामने बैठेंगे, वो बच्ची के सामने, और उनको ये नहीं पता ये 21 साल की लड़की उनसे ज्यादा टैलेंटेड है, ज्यादा नीचे ही है। ये कौन बोलेगा? छोटू सिंह जी बोल रहे थे, नीरज।